आज लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर कई प्रकार की खबर लगातार आती रही, और उसमें से सबसे पहली खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में एडमिट नहीं किया गया, और बताया गया कि दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद यादव जो अपना इलाज कराने गए थे उन्हें वहां से फिर से वापस रांची स्थित रिम्स में भेजा जा रहा है। और इसमें सोचने वाला विषय यह था कि लालू प्रसाद यादव को खुद रिम्स के प्रशासन की तरफ से दिल्ली स्थित एम्स में भेजा गया था क्योंकि वहां पर उन्हें अच्छा इलाज मिलेगा। जब लालू प्रसाद यादव को एम्स में एडमिट नहीं किया गया तब इसे लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई, और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है तब से कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और केंद्र सरकार के इशारे पर उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट करने से मना कर दिया गया था। राजद नेताओं की तरफ से तो सीधे तौर पर कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की हत्या की साजिश चल रही है और यह साजिश केंद्र तथा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रही है। राज्य सरकार को लेकर भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमलावर हैं, और जब विवाद बढ़ा तब उसी बीच में खबर आई कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है और अब उनका इलाज चल रहा है। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। लालू प्रसाद यादव को सबसे पहले रांची से लेकर के दिल्ली जाया जाता है जहां एम्स में उनका इलाज होना था। वे चार्टर्ड प्लेन से बाकायदा रांची स्थित रिम्स से दिल्ली पहुंचते हैं एम्स में इलाज कराने, लेकिन एम्स में उन्हें रात भर ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखा जाता है, और उसके बाद से अगले दिन यानी कि आज सुबह 4 बजे के आसपास उनको यह सूचना दी जाती है कि उनका इलाज रांची स्थित रिम्स में ही होगा। यह कहते हुए कि रांची स्थित रिम्स में उनका इलाज होगा उन्हें एडमिट नहीं किया जाता है, जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेता सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इशारे पर लालू प्रसाद यादव के हत्या की साजिश की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन की तरफ से भी इसी बात को दोहराया गया और उन्होंने भी कहा कि लालू प्रसाद यादव के हत्या की साजिश चल रही है। इन सबके बीच एम्स ने यह कह दिया था कि अब लालू प्रसाद यादव को रिम्स वापस चले जाना है और रिम्स में ही उनका इलाज होगा, और बताया जा रहा है कि जब एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव पहुंचे और उस एयरपोर्ट से अब उनको रांची आना था तो एयरपोर्ट पर उनकी तबीयत अचानक से ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद से आनंद फानंद में फिर से उन्हें एम्स में ले जाया गया जहां के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती कर लिया गया। यहां सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि रिम्स के जो मेडिकल की बोर्ड है उसकी अनुशंसा पर ही लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स में भेजा गया था, लेकिन दिल्ली एम्स में वहां पर इलाज करने की बजाय फिर से वहां से उनको रिम्स में वापस भेजा जा रहा था, जिसको लेकर जब राजद के नेताओं ने सवाल पूछना शुरू किया तब जाकर के उनको एम्स में भर्ती किया गया, और उसके बाद से अब तक सरकार की तरफ से किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। बार बार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और जानबूझकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब कि भाई वीरेंद्र राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, वे समझा रहे थे कि जब रिम्स के जो बोर्ड है मेडिकल की, जो प्रशासन है वहां की रिम्स प्रशासन, उसकी तरफ से अनुशंसा के बाद ही दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद यादव को ले जाया गया और वहां पर उनको इलाज दिया जाना था, उनको एडमिट किया जाना था, तो फिर दिल्ली एम्स में उनको एडमिट क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और अब खबर के मुताबिक लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिए गए हैं और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। बाकी लालू प्रसाद यादव को खबर यह है कि उनकी किडनी में कुछ ज्यादा ही दिक्कतें बढ़ गई हैं, उनकी किडनी जो है वो 80% से ज्यादा खराब हो चुकी है यह बताया जा रहा है, और इसी के कारण उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। आज की बड़ी खबर में बस इतना ही, अब बढ़ते हैं इन शॉर्ट्स की तरफ। आज के इन शॉर्ट्स में पहली खबर कुशीनगर से है जहां कुशीनगर में टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। यह मामला अपने आप में चौंकाने वाला है और आप भी इसे सुनकर थोड़े हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिरकार टॉफी खा लेने से किसी बच्चे की मृत्यु कैसे हो सकती है। लेकिन बताया जा रहा है कि घर के बाहर 5 टॉफी बिखरे पड़े थे और 5 टॉफी के साथ साथ वहां पर 9 रुपया मतलब कि सिक्के बिखरे पड़े थे, और घर की जो एक औरत थी जिनका नाम बताया जा रहा है मुखिया देवी, उन्होंने उस ट्रॉफी को उठाकर अपने 3 नातियों में बांट दिया और एक जो ट्रॉफी था वो अपने पड़ोसी के बच्चे को दे दिया। ट्रॉफी खाने के कुछ मिनट के बाद ही वो बच्चे अचेत अवस्था में यानी कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस को भी फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस जब समय पर नहीं पहुंचा तो स्थिति को देखते हुए मोटरसाइकिल से ही उन 4 बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच गया जहां अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनके मौत की पुष्टि कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार घर के बाहर जहर वाली टॉफी रखी किसने थी,
इसको लेकर बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि इस पूरे घटना की जांच होगी, इस पूरे घटना में जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि जो रैपर था टॉफी का जिसे बच्चों ने खाकर फेंक दिया था, अगर उस पर कोई मक्खी बैठ जा रही थी तो मक्खी भी बैठते ही मर जा रही थी, मतलब कि उस टॉफी में जहरीला जहर था और उसी के कारण उन बच्चों की मौत हुई है। बाकी अब जांच पड़ताल चल रही है और आगे हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। अब आते हैं दूसरी खबर पर। 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 36 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशी जीत गए हैं, मतलब कि चुनाव होने के पहले ही वे जीत चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने तो हर सीट से अपना उम्मीदवार उतारा ही था। तो यहां पर खबर यह है कि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन ही खारिज हो गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने जो पर्चा भरा था वो आधा अधूरा था और इसी के कारण उनका नामांकन खारिज हो गया। तो वहीं बुलंदशहर एक सीट बताई जा रही है जहां से राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरा था, लेकिन तय समय से पहले ही उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशियों का अब निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो चुका है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके प्रत्याशियों को मार रहे हैं, वे उनका नामांकन भरने ही नहीं दे रहे हैं। और कई जगहों से हमने ऐसी तस्वीर भी देखी जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को दौड़ाकर मार रहे हैं और वहां पर बकायदा पुलिस भी मौजूद है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर पर। आज हैदराबाद से एक खबर आई जहां आग लगने से 11 मजदूरों की मौत हो गई। अब 11 मजदूरों की मौत हो गई और सबसे खास बात है कि यह सभी 11 मजदूर बिहार से ताल्लुक रखते थे, मतलब कि बिहार से बाहर जाकर यह सभी मजदूर वहां पर हैदराबाद में काम किया करते थे। बिहार से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों में भी एक और खास बात है कि यह सभी के सभी सारण जिले से ताल्लुक रखते थे। सारण जिले का एक गांव है आजमापुर, बताया जा रहा है कि इसमें से जो मजदूर थे वे सभी के सभी इसी गांव से ताल्लुक रखते थे या फिर आसपास के एक दूसरे के करीबी थे। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के कबाड़ के गोदाम में ये सभी मजदूर काम किया करते थे और जब गोदाम में आग लगा तब वो गोदाम के अंदर ही मौजूद थे और शटर बंद था उसका, जिसके कारण वे वहां से भाग नहीं सके। एक ही कमरे से प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि 11 शव बरामद हुआ है और कहा जा रहा है कि 12 लोग उसमें सोए हुए थे, लेकिन जब तक हम यह खबर पढ़ रहे हैं आपके सामने उस समय तक 11 शव बरामद होने की पुष्टि की जा चुकी है। बाकी आगे इसे लेकर कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब आते हैं आज के कानून के हिस्से पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ग्राम पंचायत सदस्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत उनको जब ग्राम पंचायत सदस्य चुना गया है और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनके याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह जन्म से इस समुदाय से ताल्लुक नहीं रखती है, मतलब कि वह जन्म से इस जाति की नहीं है। जो जिस महिला की तरफ से याचिका दायर किया गया था उनका कहना था कि उनके पति की जो जाति है वह अनुसूचित जनजाति है और इस आधार पर वह भी अब अनुसूचित जनजाति हो गई और इसीलिए उन्होंने चुनाव लड़ा और इस हिसाब से उनका जो चुनाव है वो वैध है। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया और कहा गया कि विशेष परिस्थिति में ही महिला को अपने पति की जाति में आने का अधिकार है। अदालत की तरफ से एक और महत्वपूर्ण बात कही गई कि सामाजिक स्वीकृति के तहत यह तय किया जाएगा कि वह जो महिला है वह अपनी पति की जाति में आ गई है, सम्मिलित हो गई है या नहीं हो गई है। यह भी बताया जा रहा है कि वह महिला खुद अदालत के समक्ष हाजिर नहीं हुई, इसके कारण उस महिला को अदालत की तरफ से अपना पक्ष रखने का कोई अगला अवसर भी नहीं दिया गया है। बाकी अगर इस महिला के बारे में हम आपको बताएं तो यह महिला किसी अन्य जाति से ताल्लुक रखती है, लेकिन इस महिला ने जिस व्यक्ति के साथ शादी की वह व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं और इस आधार पर उसने चुनाव लड़ा और पंचायत चुनाव में उसने अपनी जाति अनुसूचित जनजाति बताई, लेकिन अब कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से इसे खारिज किया जा चुका है और कहा गया कि विशेष परिस्थिति में ही महिला को पति की जाति मिल सकती है। बाकी आते हैं आज के अंतिम हिस्से पर, जो है नसीहत। आज शहीद दिवस के अवसर पर हम सभी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद कर रहे हैं और भगत सिंह ने एक बार कहा था कि राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। यह भगत सिंह के विचारों को व्यक्त करता है कि भगत सिंह किस प्रकार से आजादी के ख्वाब देखते थे या फिर आजाद रहना जानते थे। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यही समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी
सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।